आज हम खाद की स्थिति देखेंगे। हमने गन्ने की फसल के अवशेषों की नई परत जोड़ी है। चूंकि हमारे पास गोबर जैसी कोई खाद नहीं है, इसलिए हम एक परत के रूप में गाय का गोबर नहीं डाल सकते हैं। इसके बजाय हमारी योजना है कल मिट्टी को एक परत के रूप में डालना है। इस बीच हम अपनी पुरानी रचना की स्थिति को देखेंगे। पुरानी खाद लगभग एक वर्ष पुरानी ढेर है। मोटे तनों को छोड़कर 99% खाद है। आप देख सकते हैं कि यह खाद लगभग चाय की तरह है, पाउडर प्रकार की खाद, क्योंकि कई केचुए मौजूद होते हैं। चूंकि कुछ तने अभी भी पूरी तरह से खाद नहीं बने हैं, इसलिए उपयोग करते समय हमें इसे फिल्टर करना होगा और इसका उपयोग करना होगा। हमारी नई खाद पर वापस। आज हमने 1 में 1/2 इंच जोड़ा है इंच मिट्टी की परत और फिर पानी देना। हम ढेर के अंदर गीलापन बनाए रखने के लिए मिट्टी की परत क्यों डाल रहे हैं? यदि यह परत नहीं है तो ये कुछ घंटों में जल्दी सूख जाती है।